उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े तमाम बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने कहा है कि राज्य के युवाओं का आयोग से भरोसा खत्म हो गया है। सरकार को चाहिए कि भर्ती परीक्षा की जाँच पूरी होने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं को कराया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने बेरोजगारों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वह आगे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आप ये देख रहे हैं कि जो ये लीकेज हुआ है, जहां से ग्रुप सी से लेकर पीसीएस तक की परीक्षाएं लीक हो रही है, ये लीकेज कितना बड़ा है ये समझना पड़ेगा। इस लीकेज ने जेम बना दिए, इस लीकेज ने डीएसपी बना दिए, इस लीकेज ने दरोगा पटवारी सब बना दिए।